श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम दुनिया में वही देखते हैं जो हमने अपने आप को समझा है। जैसे मैंने अपने आप को सन्यासी समझा है तो मेरे लिए दुनिया क्या है? सन्यासी और जो सन्यासी नहीं है। समझो मैंने अपने आप को अमीर समझा है तो मेरे लिए दुनिया क्या है? अमीर और गरीब। समझो मैंने अपने आप को लंबा समझा है तो दुनिया क्या है? लंबा और नाटा। देखो तो ये दुनिया हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को समझा है। कितनी सरल बात है। यदि अपनी समझ ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है पहले अपनी अपने बारे में जो समझ है उसको ठीक कर लो कि हम है कौन। देखो यदि हमने अपने आप को बहुत अच्छा समझ रखा है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं तो दुनिया क्या होगी? खराब और मैं अच्छा। और इस दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए हमको शास्त्र चिंतन करने की प्रक्रिया बताते हैं। चिंतन कैसा करते हैं? देखो ये चिंतन का अर्थ आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। हमारा शौक बड़ा विचित्र है। हम सुबह उठने के बाद नहा धो करके पहले अपने कपड़े धोते हैं। यहाँ नहीं धोए, यहाँ पता ही नहीं था मुझे कहाँ लटका, मुझे लटका देंगे लोग। तो अपने कपड़े धोते हैं, धोने के बाद उनको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उनको प्रेस करते हैं। इस क्रिया में हमको भगवान ने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। देखो कैसे कपड़े को जब सुखाओ और सूखने के बाद देखो तो उसमें कितनी सलवटें होती है, तो उन सलवटों के कारण कपड़ा अच्छा नहीं दिखता। तो फिर हम क्या करते हैं? उसके ऊपर में इस्त्री घुमाते हैं। इस्त्री घुमाने से क्या हो गया? सलवटें निकल गई। लेकिन हम सलवटें निकालने के बाद फिर एक दूसरी और सलवट डालते हैं जिसको कहते क्रीज। जैसे हमारा ये शर्ट देखो, इस पर ये जो है ये भी तो सलवट ही है और क्या है। पहली भी सलवटें थी और ये भी सलवट है, दोनों में फर्क क्या है? पहली सलवटें एक दूसरे को कैंसिल करती थी, एक इधर जा रही दूसरी उधर जा रही थी और सब गंदा दिखता था, और वही सब सलवट एक ही दिशा में जा रही है तो सुंदर दिखता है। वैसे ही हमारे मन के विचार जब इधर उधर भटकते हैं ना तब हम परेशान होते हैं। और हमारे मन के विचार यदि एक दिशा में जावे तब मन की परेशानी उतनी मात्रा में कम हो जाती है। इसी को कहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। तो लक्ष्य क्या है हमारा? क्या अच्छा घर हो ये लक्ष्य है, स्वस्थ हो ये लक्ष्य है, लंबी उम्र हो ये लक्ष्य है, बीवी बच्चे हो ये लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? जितना हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा उतनी ये छोटी मोटी चीजें अपने आप गिर जाती है। देखो इसीलिए आध्यात्मिक साधना शुरू होती है अपने लक्ष्य का निर्धारण करना। हमारे शास्त्र में बताते हैं चार पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने पुरुष ही अर्थते, जो हम जीवन में पाना चाहते हैं उसको कहते पुरुषार्थ। तो पहले हम क्या पाना चाहते हैं? पैसा। तो जिंदगी केवल अर्थ पुरुषार्थ में ही गई। अच्छा पैसा आ गया उसके बाद फिर क्या करना चाहते? भोग, काम, अर्थ और काम, दो पुरुषार्थ। अच्छा फिर यदि अर्थ और काम
इन दोनों पर नियंत्रण नहीं हो तो आदमी धूमधाम कुछ भी कर सकता है। देखो नियंत्रण चाहिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और कार चलाते समय नियम है कि आपको ऐसे ही प्रकार से कार चलानी है, अपने मर्जी से नहीं चलानी। यदि हम अपने मर्जी से चलाने लगेंगे कार तो वहां तो एक कैओस हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो हमको कार चलाने का स्वातंत्र है लेकिन नियम के अनुसार। और जो नियम हम पर बाहर से थोपे जाते हैं वो नियम दुख का कारण बनता है, और जो नियम हम स्वयं होकर के लेते हैं वो दुख का कारण नहीं बनता। देखो तो हम पैसा कमाते हैं, भोग करते हैं, यदि हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम में और पशु पक्षियों में क्या फर्क है? तो हमको अर्थ और काम इन दोनों को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने धर्म का नियंत्रण लगा दिया है। तो ये धर्म के नियंत्रण से हम अर्थ और काम इनको अच्छी तरह से पालन करेंगे और उसमें फंसने की चांसेस कम है। अब एक और आगे चलते हैं। हमने जो भी किया जगत में किस लिए किया? पहले हम सोचते हैं कि हम विवाह करेंगे। विवाह किस लिए करते हैं? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? अब ये अनुभव आपको है, मुझे नहीं। किसी आदमी ने विवाह दुखी होने के लिए किया है क्या? और कोई भी आदमी विवाह होकर के सुखी हुआ है क्या? बिल्कुल सरल बात है। अच्छा, एक आदमी है उपवास करता है और दूसरा है खाता रहता है, तो जो खा रहा है वो भी खुशी के लिए और जो नहीं खाता है वो भी खुशी के लिए। एक आदमी सुबह सुबह उठ करके योगा करने में लग जाता है, दूसरा 9 बजे तक मस्त सोता है। दोनों का प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति। माने हमारे जीवन के सभी आयास, चाहे जगत में कूद पड़े या जगत से वापस आ जाए, सबके पीछे एक ही प्रयोजन है कि हम सब सुख चाहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चिंतन करना है। हमने पहले ये कल्पना करी कि पैसा मिलने से सुख मिलेगा, खूब पैसे कमाए, मिला क्या सुख? नहीं मिला। जिनके पास पैसे है वो भी दुखी है, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी दुखी है, जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे है वो सुपर दुखी है। देखो दुख दो प्रकार से होता है, एक होने का दुख, दूसरा नहीं होने का दुख। यदि ये चिंतन जारी रहे तो पता चलता है कि हम चाहते कुछ और है और भटक कहीं और रहे हैं। ये चिंतन करना है। जैसे हम आपको बताएं अपना उदाहरण, हम सुबह जब उठ जाते हैं 4 बजे और उठने के बाद मुंह मुंह धो लिया, नहा लिए, फिर मुझे एक कप चाय चाहिए गरम गरम, तो हमारा जो मन मणिराम है, मणिराम गाना शुरू करते हैं, चाय 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 चाय, और जब तक चाय नहीं मिलती तब तक ये संगीत शांत नहीं होता। और फिर सुबह उठ करके इधर गए उधर गए, कैसे जुगाड़ करके एक कप चाय बनाई और पी ली, और जैसे चाय पी, हा हा आनंद। और इस अनुभव का हमने विश्लेषण कैसा किया? जब मुझे चाय नहीं मिली थी तब मैं दुखी था, जब चाय मिल गई तो मैं सुखी हूं, इसीलिए सुख चाय से आया। यही हो गया ना? लेकिन क्या ये विश्लेषण ठीक है? यदि
सुख चाय में होती तो हर एक व्यक्ति चाय पीने के बाद सुखी होता, लेकिन होता है क्या हर एक व्यक्ति? नहीं। तो सवाल यह है कि जो हमने चाय पीने के बाद हमको खुशी मिली, वो खुशी कहां से आई? चाय में से तो नहीं आई। जैसे अग्नि गर्म है सबके लिए, चाहे छोटे बच्चे ने उसमें हाथ डालो तो गर्म है, बूढ़ाओं ने डालो तो गर्म है, क्योंकि उष्णता या दाहिका शक्ति अग्नि का गुणधर्म है। इसी प्रकार से यदि चाय का गुणधर्म होता कि यह सुख देता है तो हर एक को सुख मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा ना, फिर अपना ये जो चाय पीने का आनंद है वो कहां से आया? तब पता चलता है जब मेरा मन विक्षेपित होता है तब मैं दुखी रहता हूं, जब मेरा मन शांत रहता है तब मैं प्रसन्न रहता हूं। तो साधना क्या करनी है? चाय के पीछे मत दौड़ो, दौड़ो अपने मन को शांत रखने के लिए। ये समझदारी आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है, सीधी बात है। दूसरे के कारण हमको दुखी नहीं होना, दुनिया जाए भाड़ में, बड़े आए दुनिया का उद्धार करने वाले, अपना तो सत्यानाश कर बैठे और दुनिया का उद्धार करेंगे। देखो संतो, इसीलिए अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। दृष्टि के परिवर्तन की बात उपनिषदों में आती है, वहां कहते हैं देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। जिसका देहाभिमान गलित हो गया है माने अब वो अपने को देह के रूप से स्वीकार नहीं करता। ध्यान से सुनना, यही तो बात हमको सब बताते हैं, हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले स्वामी जी आप मेरी मजाक मत उड़ाना। ठीक है, नहीं उड़ाऊंगा, पतंग उड़ाऊंगा। फिर कहता है कि मैं अपने पत्नी के कारण बहुत दुखी हूं, क्या करूं? हमने कहा कोई नई बात बताओ, ये तो पुरानी बात हो गई। नहीं नहीं आप मजाक मत उड़ाओ, मैं क्या करूं, मैंने पता नहीं क्या पाप किया था। हमने कहा अच्छी बात है, तुमने अच्छा विषय छेड़ा है। इसका कारण ये है, पिछले जन्म में तुमने उसको छला था, इस जन्म में वो उसका बदला उतर रही है। और इसीलिए ये माताएं जो है ना, ये करवा चौथ कहती है, छोड़ेंगे नहीं, जाओगे कहां? एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सात जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। अब ध्यान से सुनो, पिछले जन्म में हमने अच्छा बुरा किया, वो देह तो चला गया ना, अब इस जन्म में कौन है? वही है जिसने पिछले जन्म में गड़बड़ी करी थी। अब ये देह भी चला जाएगा तो दूसरा देह लेंगे, तो हम मरे कब? चिंतन करो। लेकिन हमारे दिमाग में ठोस ठोस के भर दिया है कि पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं, मैंने बड़े पाप किए। अरे नहीं भैया, तुम पापी नहीं हो, तुम साक्षात परमात्मा हो। देखो कहां पापी हो, यदि आप धर्म का अनुसरण करेंगे तो मृत्यु का भय बुद्धि से निकल जाना चाहिए। यदि भक्ति का मार्ग चलोगे तो मृत्यु का भय निकल जाना चाहिए। यदि आप योग का मार्ग करोगे तो मृत्यु का भय निकल जाना चाहिए। यदि हमने सत्संग किया और सत्संग होने के बाद भी मृत्यु की कल्पना हमारे दिमाग में आई तो हमने आज तक के केवल दुस्संग किया है, सत्संग नहीं किया है। देखो तो करना क्या है, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। और दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए पहली बात है देहाभिमाने गलिते, अपने आप को देह मानकर की जिंदगी गुजारी है। देखो तीन आत्मा का वर्णन आता है पंचदशी नाम के ग्रंथ में,
तीन आत्मा, एक है मुख्य आत्मा जो सबके लिए सामान्य है, मुख्य आत्मा। दूसरा है मिथ्यात्मा, मिथ्यात्मा माने छोटे देह के साथ तादात्म्य किया तो मैं बच्चा हूं, फिर वही देह बढ़कर के जवान हो गया तो मैं जवान हूं, वही देह और बढ़कर के बड़ा हो गया तो मैं मध्यम वयीन हूं, वही देह बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हूं। अरे यार तुम कितने हो, एक होगी कई हो, तो ये मैं जवान था, मैं बूढ़ा था, मैं बच्चा था, ये सब के सब मिथ्यात्मा है, ये वास्तविक नहीं है। आप जो बच्चे थे वो बच्चे का देह कहाँ गया, पुलिस में खबर करो मेरा बच्चे का देह गुम गया है, ढूंढ के निकालो। जब ये बचपन खत्म हो जाता है देह से तो क्या हम वहां मातम मनाते हैं, बेचारा देह मर गया, नहीं। फिर जवानी का देह आया, खूब उठपटांग काम किया, एक दिन वो भी मर जाता है तो क्या वहां रोते हैं? देखो महाराज, इसीलिए पहला हमारा सबके लिए सामान्य तत्व जो है वो उसको कहते मुख्यात्मा, वो एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, एकमात्र है। अब यही परमात्मा जब एक देह के साथ तादात्म्य कर लेता है तो उसको मिथ्यात्मा कहते हैं, वो असली आत्मा नहीं है, क्योंकि यह देह ना तो अपना है, कोई कह सकता है क्या कि मैंने अपना देह निर्माण किया है, किसी और ने पैदाइशी करी और हम वहां जाकर के घुस गए, अब निकलती ही नहीं। देखो संतो, जब तक के ये मूल भ्रांति मिटती नहीं तब तक के आप कुछ भी करते रहो, तमाकू चूना रगड़ो खाओ, कुछ नहीं होगा। देखो देहाभिमानी गरीब, और यदि हमने अपने आप को देह मान के रखा है तो उसकी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी पैदा होती है। अगली पीढ़ी क्या है? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, कितने पैदा हो गए, एक में से कितने निकले, और इनमें सत्य क्या है? ये पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सत्य है कि देह सत्य है कि परमात्मा सत्य है? देखो महाराज, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। और फिर हमारा ध्यान अब ये जगत के तरफ तभी तक रहता है जब तक के देहात्म भाव है। जहां देहात्म भाव थोड़े समय के लिए क्यों खत्म न हो जाए, जैसे गहरी नींद में उस समय हम कहीं भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, इसीलिए दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो क्या परिवर्तन लाना है? ये परिवर्तन लाने की प्रक्रिया अब 15वें अध्याय के अंतिम भाग में आपको बता रहे हैं। पहले जगत का वर्णन किया, जगत के वर्णन के पीछे तात्पर्य क्या था? जगत को देखते देखते हम अपने स्वरूप में पहुंच जाए। फिर साधना बताई, साधना का वर्णन करते करते हमको अपने आप में पहुंचना है। फिर जीव कौन है सुबह बताया, ये जीव का चिंतन करते करते हम अपने आप में पहुंच गए। तो जीव की भाषा हमने आपको सुबह बताई थी, आदमी परमात्मा है और पति जीवात्मा है। देखो जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है परमात्मा क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सो श्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ये परमात्मा का, ब्रह्म का वर्णन शास्त्रों में आया है। अब जीवात्मा का वर्णन क्या है? देखो ये बाबा जी लोग आपको कभी नहीं बताएंगे जीवात्मा किसको कहते, कह देते हैं जीवात्मा है। क्या जीवात्मा है बताओ? देखो यदि आपको पति का वर्णन करना हो तो कौन है पति? पहले वो जिंदा आदमी होना चाहिए, दूसरा उसको प्रतिबिंबित होने के लिए एक पत्नी का दर्पण होना चाहिए, और तीसरा
उस पत्नी के सामने उस दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब होगा, ये तीन चीजों को मिला करके पति बनता है ना। दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको यदि आपको वर्णन करना हो तो क्या कहेंगे? हमारा मुख कमल, उसके बाद दर्पण और उसमें प्रतिबिंब, ये तीनों को मिला करके प्रतिबिंब बनता है। केवल हमारा चेहरा हो तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, केवल दर्पण हो तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये तीनों की जो खिचड़ी है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। इसी प्रकार से परमात्मा प्रकृति का दर्पण और उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब, इन तीनों को मिला करके जीव कहते हैं। देखो हमारी सबकी एक जो आदत है वो ये है, हम अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। सबकी आदत है, मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं यदि पिता हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे पुत्र, मैं गुरु हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे चेले, और मैं चेला हूं दुख का कारण गुरु। तो हम करेंगे क्या फिर उसके बाद? इसके बाद हम दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो पति का प्रयत्न क्या होगा? पति की आध्यात्मिक साधना पत्नी को सुधारना, इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। कभी संभव नहीं हुआ आज तक, जहां भगवान राम फेल हो गए, ये जगजीवन राम सक्सेसफुल हो गए। देखो पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। शास्त्र चाहते हैं अब दूसरे को बदनाम करना बंद कर दो और ध्यान अपनी तरफ ले आओ। और इसीलिए कहते तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के कारण तुमको इस जन्म में सुख दुख मिल रहा है। तो मतलब क्या निकला? अब अपने जीवन की जिम्मेदारी 100% अपने पर लो, दूसरे पर मत लेना। डोंट वरी, रिलैक्स। तुमको जाना है बेटा, जा जा। तो इसीलिए हमको बताते हैं कि तुम्हारे दुख पिछले जन्म के पाप का कारण है। अब इसे निकला क्या? इसे यही निकला, ये देह पैदा होने के पहले हम थे, ये देह में अच्छा बुरा काम कर रहे हैं, ये देह मरेगा तो दूसरे देह में फिर हम ऊंचा पद करेंगे। माने हम देह से अन्य है ना, यही हो गया ना। विश्वास मत रखना मुझे, जितनी दाढ़ी लंबी उतना डाउट ज्यादा। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। तो यदि हमको बताते हैं पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, जन्म देह का होता है, अपना नहीं होता, तो फिर मैं कौन हूं? यदि मैं देह नहीं हूं तो शास्त्र बताते तुम देह नहीं हो, तुम जीव हो, और हमने बेवकूफ के जैसा उसको पकड़ के रखा है। अरे जीव क्या है उसका विश्लेषण करो ना। आप देखेंगे कर्म कांड में, योग में इसका विश्लेषण नहीं करते, मान लेते जीव है, और फिर दो ब्रांड के जीव हो गए, पापो हम पाप कर्मा, हम पुण्यो पुण्य कर्मा। कौन है ये जीव? तब पता चलता है नानु पश्यन्ति, इसको जो मूढ़ है, जो इसी दुनिया में फंसे है, वो नहीं समझ सकते। इसलिए पहले जीव के प्रसंग में भगवान ने हमको स्पष्ट बताया कि हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो जैसे बल्ब में प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है, केवल बिजली में प्रकाश नहीं है, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं है, जब बिजली और बल्ब इन दोनों का विवाह हो जाता है तब प्रकाश निकलता है ना। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है, ये दोनों इकट्ठे हो गए, संसार शुरू हो गया।
उसको जीवन न कहते हैं। देखो, लेकिन हम लोगों के मन में ऐसी बात बन गई है कि जैसे योगी लोग करते कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है, क्योंकि प्राण निकल गए तो शरीर मर गया, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन सत्य वो नहीं है। कठोपनिषद कहती है न प्राणे न अपाने न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मौ यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। हम जिंदा है इसीलिए सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे इसलिए जिंदा नहीं है। देखो, तब हमको यहां बताते हैं कि यतन्तो योगिन शयनम पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम्। अब ये जो पति है ये शरीर में या आदमी में कहां है पति? देखो, जैसे आदमी और पति अलग अलग कर दो, हो सकते है क्या? नहीं हो सकते। बिना आदमी जिंदा हुए पति नहीं रह सकता। लेकिन पत्नी चली गई माने पति खत्म हो गया, आदमी को कुछ नहीं होता। इसीलिए कि पति नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? यही भ्रांति है। इसलिए कहते हैं यतन्तः अपि अकृतात्मानः नयनं पश्यन्ति अचेतसः। क्योंकि हम दुराग्रह में फंसे हैं। देखो, कई लोगों के पास दुनिया भर की अंगूठियां होती है ना ऐसी, तो मेरी परेशानी यही होती है कि जिनके पास काफी अंगूठियां होती है वो जब कढ़ी खाते होंगे तो नीचे गिर जाती होगी ना, पुरुर करने के लिए छेद आ गए बीच में। और किसके लिए? इसके लिए शनि का ग्रह, शुक्र का ग्रह, मंगल ग्रह। अरे भैया, ये ग्रह कुछ नहीं करते, दुराग्रह उसको छोड़ो, एक ग्रह है दुराग्रह। हमने अपने आप को केवल देह ही मान के रखा है, इस दुराग्रह को छोड़ो। और ये सब होने के पश्चात मन शांत रहने लगेगा, और ऐसा जो शांत मन है अब उसको भगवान का दर्शन कराते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए हर एक आदमी लायक नहीं है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को पूछा था, उनका भाई उनके साथ रहता था, चचेरा मां मेरा भाई कोई तो भी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का ज्ञान दे दिया, अपने भाई को नहीं दिया। तो लोगों ने पूछा आप अपने भाई को नहीं दिए, बोले वो लायक हो तब ना, ये कोई गवर्नमेंट का जॉब है क्या कि रिजर्वेशन से जो जितना ज्यादा नालायक होगा उसको डेफिनेटली जॉब मिलेगा? देखो महाराज, अभी अभी मैंने कहीं पढ़ा रेलवे की कोई एक बड़ी एग्जामिनेशन हो गई, उसमें 100% फेल हो गए। ये वही स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए थी, वो 100% फेल हो गए। अब किसको लगाए जॉब पर? फिर उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, फेल होने वाले में जो बेस्ट फेल हो गए उनको दे दो। अरे बेवकूफी की हद है। और यही हम चाहते हैं, अध्यात्म में आकर के हमको रिजर्वेशन मिले। और क्या क्वालिफिकेशन है आपका? शादी करी। अरे शादी करी तो किसने कहा था शादी करने ये कोई क्वालिफिकेशन है? मेहनत करो, और मेहनत यही है चिंतन करो, चिंता मत करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणः फलहेतवः। जगत में ऐसा रहे कि अपनी बुद्धि अपना मन शांत पवित्र सच्चा हो जाए, तब जाके आध्यात्मिक साधना होती है। ऐसी जिसकी दृष्टि अब परिमार्जित हो गई है उसके लिए अब भगवान का दर्शन कराते हैं। देखो ये बड़ा सुंदर विषय है,
यदा आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाह। ये भगवान का दर्शन है। कौन है भगवान? तो पहले कहते यद आदित्य गतम तेजः, सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा प्रकाश है। भगवान कह रहे यद आदित्य गतम तेजः तत्तेजो विद्धि मामकम, मेरा प्रकाश। देखो एक सिंपल रूल है, हम कार्य से कारण तक पहुंचते हैं। देखो जैसे मैंने इस लड़की को देखा तो मैं पूछूंगा भाई तुम किसकी लड़की हो, तो ये कार्य है, कार्य से कारण तक पहुंचे। हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं ना तो डॉक्टरों को कार्य बताते, सिम्टम बताते हैं कि क्या हो गया, और हमारे सब सिम्टम सुनने के बाद ये डॉक्टर लोग उसका कारण ढूंढते हैं, ये हो गया होगा। कारण का दर्शन कार्य के माध्यम से होता है। यद आदित्य गतम तेजः जगत भासयते अखिलम, जो सूर्य में तेज है प्रकाश और गर्मी वो मेरा है। तो क्या होना चाहिए? जैसे सूर्य का दर्शन हो गया, भगवान का स्मरण हो जाए, और भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। और हमको सुबह उठने के बाद गुस्सा आता है, मेरी चाय कहाँ गई? अरे यार भगवान का दर्शन करना। और इसीलिए हमारे यहाँ बताते हैं सूर्योदय के पहले जगना चाहिए। और हम लोग, आप लोग तो नहीं, हम शहरी लोग 9-9, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, और जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात जगता है वो अगले जन्म में खटमल हो जाता है। ये खटमल महापुराण में बताया है। अब तुम देखो, तुम अगले जन्म में खटमल हो जाओगे यदि सूर्योदय के पश्चात जगोगे तो। आप ध्यान से सुना कितनी सूक्ष्म बात है। यदि आपने सुबह जल्दी उठने का नियम कर लिया तो आपको पहली रात जल्दी सोना पड़ेगा, और जल्दी सो जाओगे तो उल्टे सीधे जो सीरियल है वो फालतू की सीरियल देखना बंद करोगे। देखो किसी के यहां वो जो प्राइम टाइम में सीरियल चलते हैं ना, उस समय जाके बैठो, सीरियल मत देखना। क्या स्वामी जी आप आ गए? बैठे बैठे फिर आप चाय पानी लेंगे? उत्तर भी नहीं सुन रहे, क्योंकि पूरा ध्यान उस बेवकूफ सीरियल में है। देखो कि अपने दिमाग में कूड़ा करकट बेवकूफी कम है, और सीरियल की अपनी इसमें भर लेना है। देखो यदा आदित्य गतम, इसीलिए जो गायत्री की उपासना करते हैं उनका जीवन भिन्न होता है। तो सुबह उठे, भगवान का दर्शन हो गया, फिर लेकिन हम तो सुबह नहीं उठते तो क्या करें? कोई बात नहीं, तुम निशाचर हो क्या रात को लेट समय तक? हाँ जी, तो यद आदित्य गतम तेजः यद चंद्रमसि, जो चंद्रमा में प्रकाश है वो मेरा ही है। तो रात को चंद्रमा को देख करके भगवान का स्मरण करो। नहीं जी अभी वो अमावस्या है। तो कोई नहीं, बीड़ी पीते हो क्या? हाँ जी, अपना लाइटर निकालो। यद अग्नौ, जो अग्नि में तेज है वो भी मेरा है। तत्तेजो विद्धि मामकम। अब देखो भगवान ने हमको दर्शन देने के लिए कितने रूप लिए हैं, लेकिन हम यदि आंखें बंद करके बैठे तो भगवान करेंगे क्या? जैसे उल्लू को दिन को नहीं दिखता, अब उसमें क्या सूर्य का दोष है? दोष अपना है, लेकिन ये बहुत दूर है, सूर्य तो बहुत दूर है, चंद्रमा भी दूर है, अग्नि तो जलाता है। ठीक है,
फिर दूसरी बात कहते हैं ये गाम आविश्य च भूतानी धारयाम्यहमोजसा। गाम माने पृथ्वी, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओजस के द्वारा पृथ्वी को धारण करता हूँ और इसमें जो वनस्पति है उनको मैं अपने शक्ति से सोमो भूतवा रसात्मक उनमें वो शक्ति प्रदान करता हूँ जिसके कारण हम लोगों की भूख मिट जाती है। तो भूख मिटाने की क्षमता जो अन्न में है वो परमात्मा है, इसीलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, भगवान का स्मरण कर लिया। अच्छा भगवान आप जो है पृथ्वी में पड़े हैं तो कैसे निकाले आपको? तो बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं हरेक में वैश्वानर के रूप में रहता हूँ। वैश्वानर क्या करता है? खाना पचाता है। हम खाते रहे। आज जब मैं किचन में देख रहा था वहाँ का जो पंडित है, इतनी बड़ी कढ़ाई नीचे से आग लगी है और ऊपर से इतना बड़ा वो करछी लेकर के घुमा रहा था, तो मुझे उस समय भगवान कृष्ण की याद आ गई। वो अपने पेट की कढ़ाई में ऊपर से हम डाले जा रहे और वो बेचारा घटा रहा थक गया और थकने के बाद शांत हो गया, चलो खत्म हो गया इसका खाना। फट से इतना बड़ा आइसक्रीम का लड्डू आ जाता, अरे राम फिर आ गया और फिर गुस्सा, अरे यार कहीं तो बंद करो। खाते रहे। जिसका खाने पर कंट्रोल नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए अपने जिह्वा पर नियंत्रण करना है। जिह्वा 2-in-1 है, बोलने पर और खाने पर बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा वहां क्या करते हैं आप? प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं चार प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूं। कौन से चार प्रकार के अन्न है? देखो भगवान को अंग्रेजी भी आती थी, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड रिमेनिंग हर्बल। देखो चार प्रकार के अन्न होते हैं, चोष्य चूसते हैं, चखते हैं, चबाते हैं और पीते हैं। ये चार प्रकार के अन्नों का पाचन मैं करता हूं। ध्यान से सुनना, मैंने खाना खाया ये तो भाव होता है, मैं पचा रहा हूं ये भाव होता है क्या? ये पछता कौन है जो कन्हैया लाल अंदर बैठे है वो पचा रहे। अब देखो सूर्य से निकल करके अपने पेट तक भगवान पहुंच गए और फिर भी हम कहते भगवान कहाँ है। एक पढ़ा लिखा कॉलेज का प्रोफेसर कहता है ये भगवान के चक्कर में मत पड़ना, दिखता है क्या, स्पर्श कर सकते हो क्या, भगवान की बात कर दे, मेहनत करो। तो छोटे बच्चे ने कहा कि सर मुझे बताओ आपको ये कैसे पता चला? बोले आई एम इंटेलिजेंट इसीलिए। बोले इंटेलिजेंस दिखता है क्या? बोले नहीं। स्पर्श करते हो क्या? बोले नहीं। तो तुम बेवकूफ हो। ध्यान से सुनना, जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है वो परमात्मा है। यदि हमको परमात्मा का दर्शन करना है तो अपने इंद्रिय मन बुद्धि की गुलामी त्यागनी पड़ेगी। और पूरा जीवन हमने क्या किया है? अपने इंद्रिय मन बुद्धि का गुलाम बन करके रहे। तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि हे भगवान ये बताइए मनुष्य न चाहते हुए भी मानो कोई जबरदस्ती से उसके द्वारा गलत कार्य करा रहा है, क्या है वो कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है? भगवान उत्तर देते हैं काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। जो हमसे गलत काम करवाता है वो है काम और यही है क्रोध। काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध आ गया,
और ये काम क्रोध एक ही के दो रूप है। और काम कैसा है, काम की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। काम को अनल कहा गया है, अनल माने अग्नि, अलम माने काफी हो गया, अलम अलम इनफ, अनलम माने काफी नहीं, कितना भी अग्नि में डालो आप वो खत्म नहीं होगा और जलाता ही रहेगा। इसी प्रकार से कामना कितनी भी पूरी करने का प्रयत्न करो आपकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। वी हैव टू राइज अबव द डिजायर कामेश। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया, तो क्रोध क्या है, महापापमा, मनुष्य गुस्से में आकर के कुछ भी पाप कर सकता है, महापापमा। तो करे क्या, विद्धि एनम यह वैरिणम, ये हमारा नंबर एक का दुश्मन है। और दुश्मनों के साथ प्यार नहीं होता, दुश्मनों को मारना चाहिए, खत्म करना चाहिए। एनम वैरिणम, मैं इनके लिए अलग से क्लास दूंगा, सेपरेटली यू टेल, आई विल बी टेकिंग ए क्लास फॉर यू इन इंग्लिश एक्सक्लूसिवली इन आवर अपर रूम, ओके, so that you don't have to worry. What I bluff them, I'll bluff you also. So यह जो क्रोध है, क्रोध में आने के बाद आदमी कुछ भी करेगा, एनम विद्धि वैरिणम, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, काम और क्रोध। अच्छा, इसको मारना है, ठीक है, अब इसको कहाँ रहता है काम क्रोध? भगवान कहते इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैर् विमोहयतेशः ज्ञानमावृत्य देहिनः। यह पहले काम आधिपत्य करता है इंद्रियों पर, खाने के लिए थोड़ा नमक कम है, नमक डालो नहीं यार, नमक कम है, इतनी सी हमारी, आप अपनी जीवा काट करके देखो शरीर के मात्रा में इसका कितना वजन है, और उस जीवा पर 9 रसों का ज्ञान होता है, उसमें से एक रस नमक, वो नहीं है तो ये 2 टन की बॉडी को हिलाता है। दूसरी बात, ये जवान हमको खाने में बिल्कुल गुलाम बना देती है, खा खा के हम मोटे हो जाते, किसी की जवान मोटी होती है क्या, और हम गुलाम बन गए। इसीलिए इंद्रियाणि, पहले इंद्रियों को ये काम गुलाम बनाता है, फिर इंद्रियाणि मनः, फिर वहां से मन में प्रवेश कर जाता है। मन में प्रवेश करने के बाद आदमी सेंटिमेंटल होता है, मुझे यहां कोई पूछता ही नहीं, मैं जिंदा हूं कि मरा हूं, बुढ़ाव लोगों में ये होता है। देखो बाबूजी, आपको कुछ हो गया क्या, क्या बचा है होना, किसी ने आपका अपमान किया है क्या, कौन मान देता है। जब बुढ़ाओ आदमी फिलोसॉफी बोलता है, समझ लेना वो डिप्रेशन में गया है। कारण क्या है, हमेशा अटेंशन खींचने की आदत होती है, वी आर ऑल सीकिंग अटेंशन। यदि आप सीधे चले जाओ कोई पूछेगा नहीं आपको, चलते चलते नाटक करो, हे कृष्ण क्या हो गया क्या हो गया, अरे पहले आदर देते तो मैं ये नाटक क्यों करता। दुखी होने का एक ही कारण है, वी आर सीकिंग अटेंशन, दूसरा कोई कारण नहीं है। देखो महाराज, तो ये काम ने मन में प्रवेश कर लिया, और उसके बाद फिर यही काम जो है वे बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। फिर ये काम जब बुद्धि में प्रवेश करता है, हम अकेले ही थोड़ी ऐसा सभी करते हैं, रिश्वत कौन नहीं खाता, हम भी खाते हैं, झूठ कौन नहीं बोलता, हम भी बोलते हैं। माने अधर्म को धर्म के रूप में स्वीकार करना, ये बुद्धि में काम ने प्रवेश कर लिया है। देखो हमने आपको कल बताया था, जिस देश के लोग करप्ट है वो देश घटिया है, जिस देश की गवर्नमेंट करप्ट है वो भयानक घटिया है, और किसी भी देश का सौंदर्य उसकी जुडिशियरी, माने ये जो न्याय की सिस्टम है उस पर है। जिस देश की जुडिशियरी करप्ट हो गई वो देश का सत्यानाश हो गया।
देखो न तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह कहां से उनके पास इतना पैसा आता है, करोड़ों रुपए खा करके और चोरों को छोड़ देते। देखो संतो, नाम होता है इन लोगों का जस्टिस, लेकिन कभी जस्टिस नहीं करते, जजमेंट देते। जजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिस, क्योंकि उसने बुद्धि ने प्रवेश कर, बुद्धि में काम ने प्रवेश कर लिया है। सभी लेते रिश्वत, हम अकेले थोड़ी रहे, और हम तो आम मनुष्य है ना, तो मनुष्य है माने क्या, रिश्वत लेना क्या धर्म है मनुष्य का? बुद्धि में प्रवेश कर लिया तो करे क्या, विद्य एनम यह वैरिणम, उसको मारो छोड़ो मत। ध्यान से सुनना, पूरे जीवन में हमने क्या किया है, केवल अपने कामना को पूरा करने का असफल प्रयत्न। बचपन से कितनी कामनाएं पूरी हो गई, जब छोटे थे तब मार्बल चाहिए, तब गुड़िया चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए, और अब बुढ़ाऊ हो गए तो वो चाहिए। अरे जिंदगी पे कुछ तो एक हाथ बार तो कहो कुछ नहीं चाहिए। देखो एक भगत भगवान का खूब भक्ति करी, भगवान नारायण अपना गरुड़ हेलीकॉप्टर लेके नीचे आ गए। आने के बाद कहते हैं कि भगत जी हम आप पर प्रसन्न हैं, चलो वैकुंठ में जाते हैं। भगत जी कहता मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं तो दुनिया को लेने चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, तू चल। बोले नहीं जी। बोले ठीक है, तू जिसको ले आएगा मैं ले जाऊंगा, मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं। फिर चले गए भगत जी हमारे जैसे बाबा सन्यासी के पास। सन्यासी कौन होते हैं, जिन्होंने अपना श्राद्ध कर्म किया होता है। विरजा होम ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमने अपना श्राद्ध कर लिया है, इसीलिए हम प्रैक्टिकली मुर्दे हैं, हमको स्पर्श मत करना, स्पर्श करोगे नहा लो। देखो अब ये सन्यासी हम बने, और भगत ने सोचा चलो सन्यासी के पास जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के आए हैं तो अब भगवान के पास जाने के लिए तैयार है। बोले महात्मा जी चलो ऐसी ऑफर आई है फ्री। सन्यासी ने डांटा उसको, बेवकूफ अभी तो मंदिर बनाया है, बीच में मार्बल लगाया है, भगवान की मूर्ति की ऑर्डर हो गई है, मूर्ति आने वाली है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, वो सब छोड़ छाड़ के मैं कैसे जाऊं? अरे साक्षात नारायण आए उनके मूर्ति के पीछे पड़ा है। इच्छा कामना, भगत जी फ्रस्ट्रेट हो गए, चले गए वानप्रस्थ के पास। वानप्रस्थ जी चलो नहीं जी, अभी तो मेरे पोते की शादी हुई है, उसके जब तक पोते नहीं होते तब तक मैं कैसे आ सकता हूं। भगत जी सुपर डिस्गस्टेड, वहां से निकले गृहस्थ के पास गए। गृहस्थ जी चलो भगवान के पास जाने का फ्री न्योता आया है। अरे यार अभी तो शादी हुई है, अभी तो बहुत टाइम है, जल्दी थोड़ी है। वहां से भी फ्रस्ट्रेट हो गए, चले गए ब्रह्मचारी के पास। अभी तो मुझे अष्टाध्यायी पढ़नी है, अभी प्रस्थान त्रय का अध्ययन होना है। फ्रस्ट्रेट हो गए, भगत जी को गुस्सा आया, कोई नहीं चाहता भगवान को। फिर गुस्से गुस्से में सुअर के पास पहुंच गए। सुअर को कहा अरे यार तू तो चल। बोले मैं उसको पूछता हूं सुअरानी को। सुअरानी के पास गया है, सुनो जी ऐसी ऑफर आई है, वो वैकुंठ में स्वर्ग में जाना है, चले चले क्या? पूछो अपना खाना वहां मिलता है क्या? और जब भगत जी वापस आए तो भगवान हंस रहे थे, ले आओ ना दुनिया को। देखो संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते दुग्रुं करणे। हमें समस्या ये है, हमने साधन साध्य का विवेक नहीं किया है। हमारा जीवन ये साधन है, परमात्मा ये साध्य है, हम उल्टा करते भगवान को साधन बनाते हैं। हनुमान जी मेरे घर की रक्षा करना, मैं बाहर जा रहा हूँ। हनुमान जी खड़े डंडा लेके। अरे भगवान जीवन का लक्ष्य है, वो साधन नहीं है। जब तक कि ये विवेक पूरा नहीं होगा,
तब तक के इसी मियां वही तंबाकू अगर रगड़ते रहो खाते रहो कुछ नहीं होगा उससे। इसीलिए यहां जब भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन करना है तो बाहर मत भटको, अपने जीवन के हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। देखो अभी आपके हृदय में परमात्मा को प्रकट कर देते हैं, ध्यान से सुनना, सो गया तो गया। हम अभी ताली नहीं बजाए तो आपको ताली की आवाज नहीं आ रहा है। आपके कान उसमें जो श्रवण शक्ति है और ताली ये शब्द, ये जब तक अलग है तब तक के आपको ज्ञान नहीं होगा ताली का। जब ज्ञान होगा तो कारण क्या है, ये शब्द और आपकी श्रवण शक्ति ये दोनों का मिलाप हो गया ना जी, समझ में आया। अब जब आप ये ताली को सुनोगे वो आपके भगवान का अनुभव है। उपनिषद कहती है प्रतिबोध विदितम मतम, हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। तो देखते हैं सूर्य को और पहचानते हैं भगवान को, देखते हैं चंद्रमा को और दर्शन होता है कन्हैया का, खाते हैं खाना और स्मरण आता है भगवान का। देखो संतो, तो सूर्य से लेकर के अपने पेट में भगवान घुस गए, तो क्या भगवान पेटू है? बोले नहीं यार, भगवान हमारे हृदय में है। आखिर में जाके कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सबके हृदय में मैं हूं। देखो सर्वस्य च अहम, एक बार हम कहीं सत्संग कर रहे थे और एक शास्त्र का अध्ययन किए बुढ़ा वो गंभीरानंद बैठे हुए थे, हमको गंभीरे बिल्कुल पसंद नहीं, राइट रहो ना। तो हमने कहा था उस लेक्चर में कि देखो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान को चाह माने चाय दे दो तो भगवान खुश हो जाते। तो जब हमने ऐसा कहा कि भगवान को चाय पिलाओ तो भगवान खुश हो जाते, सत्संग के बाद वो बुढ़ाओ हमको, स्वामी जी आप क्या मजाक कर रहे, भगवान के समय कहाँ चाय थी? हमने कहा आपको पता है क्या भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16108, उसमें से 16000 पत्नियां आसाम की थी। अब जिसकी 16000 पत्नियां आसाम की हो वो नहाएगा चाय से, पीने की बात छोड़ो। सर्वस्य चाहम बुद्धि सन्निविष्टा, अरे हल्के बुलके रहो ना, काहे को बोझा उठा रहे दुनिया का। तो कहते हैं मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं और वहां रह के क्या करते हो, ध्यान से सुनना, मत्तः मेरे ही कारण ज्ञानम जागृत अवस्था, मेरे ही कारण स्मृति स्वप्नावस्था, मेरे ही कारण अपोहनम सुषुप्ति अवस्था और चकारात समाधि, मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि इनका आधार हूं। देखो जागृत पुरुष स्वप्न का अनुभव नहीं ले सकता, जागृत पुरुष और स्वप्न पुरुष सुषुप्ति का अनुभव नहीं ले सकते, जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुष समाधि का अनुभव नहीं ले सकता। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो जागृत को भी आधार देता है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता, जो स्वप्न को आधार देता है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनता, जो सुषुप्ति में भी है लेकिन सोता नहीं,
जो समाधि में भी है, लेकिन उसकी समाधि टूटती नहीं। वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, इस मैं को पहचानना, यही सभी शास्त्रों का अंतिम प्रयोजन है। देखो, अपने स्वरूप को पहचानना है। जारी रखूं? अच्छा, वो गए उनका गला बंद करने के लिए, अपना शुरू कर। तो वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, वेदांत कृत वेद विदेव च अहम्। शास्त्र जो है वो परमात्मा है, शास्त्र को बताने वाला परमात्मा है, और जो पहचान रहा है वो भी परमात्मा है। ऐसे नहीं कि मैं ब्रह्म हूं और आप बेवकूफ हो, नहीं। गुरु भी परमात्मा है, शिष्य भी परमात्मा है। एक ही ने दो उपाधियों को धारण कर लिया है। हमने जब अपने पिता की उपाधि को धारण कर लिया तो हम पुत्र बन गए, हमने जब अपने पुत्र की उपाधि को धारण कर लिया तो पिता बन गए। तो मैं पिता हूं कि पुत्र हूं? मैं दोनों हूं। यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो ना पिता रहेगा ना पुत्र रहेगा। ये जो सबका आधार है, ये अपना स्वरूप है। देखो, जिसकी दृष्टि इस तत्व के तरफ जाती है ना, वो छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता। शेर जब एक बार आदमी का खून चख लेता है तो भेड़ बकरी के पीछे नहीं दौड़ता। इसी प्रकार से जिसको ये ब्रह्मानंद की चसक लग जाती है ना, ये पकोड़े खा के खुश होने वाला नहीं है। देखो संतो, वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, वेदांत कृत वेद विदेव च अहम्। ये बताने के बाद फिर आगे बताते हैं कि दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। एक ही पुरुष दो प्रकार से प्रकट हो रहा है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर माने क्षर सर्वाणि भूतानि, जितना परिवर्तनशील क्षेत्र है वो भी वही परमात्मा है, और अक्षर जो परिवर्तनशील नहीं है वो भी परमात्मा है। देखो, अब इसको ऐसा समझो, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सिंपल है, कठिन नहीं है। ये चिंतन की एक बार टेक्निक समझ जाती है ना, तो हर अनुभूति में प्रभु का दर्शन होता है। इसी को लेकर के तुलसीदास जी ने जो कहा है ना, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यही इस तत्व का अर्थ है। हर एक अनुभूति में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष माने जो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में क्या हो गया, पूरा देह पंच महाभूतों का बना हुआ, ये नित्य परिवर्तनशील है, वो भी परमात्मा है। और इसमें रहने वाला जो जीव है वो भी परमात्मा है। तो परमात्मा ने क्या नाटक किया, दो नाटक किए, एक कपड़ा बना और एक कपड़ाधारी बना। लेकिन असल में क्या है, ना है कपड़ा ना है कपड़ाधारी। देखो, इसीलिए जैसे जैसे हम उपाधि से उपरत हो जाएंगे, अब उपाधि का बोझा हमको नहीं ढोना है, और हम सभी के सभी इस उपाधि के बोझे के नीचे ही दबे हुए हैं। तो कहते हैं कि उत्तम पुरुषः तु अन्या परमात्मा इति उदाहरतः, यो लोकत्रयमाविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वरः। अब तीन चीजें हो गई, लहरें, समुद्र और पानी। लहरें क्या है, क्षर पुरुष, हमेशा बदलती रहती है। समुद्र क्या है, समुद्र ज्यों का त्यों है, अक्षर पुरुष। और उत्तम पुरुष क्या है, पानी।
पानी पर दो उपाधियां चढ़ा दी गई है। एक उपाधि है समष्टि की, इसीलिए समष्टि पानी को समुद्र कहते हैं, और एक क्षणिक उपाधि चढ़ा दिए, क्षणिक उपाधि को लहर कहते हैं। एक बार हमने जाके पानी से पूछा, अरे भैया पानी भैया, ये समुद्र के रूप में तुम बड़े भयानक लगते हो यार, और लहरों के रूप में मजा आता है। तो वो पानी ने कहा, महात्मा जी माफ करना, ये समुद्र क्या होता है? पानी को समुद्र क्या है ये कभी पहचानने में नहीं आएगा, और पानी समुद्र में डूबने के लिए डरता नहीं, और जब लहर टूट जाती है तो पानी टूटता नहीं। इसी प्रकार से बचपन आया चला गया क्षर पुरुष, और उसमें जो बच्चा मैं, जैसे बचपन का देह चला गया, बच्चा खत्म हो गया, फिर जवानी का देह आया, जवान मैं, जवानी का देह खत्म हो गया, मैं जवान खत्म हो गया, लेकिन मैं जो कहते हूं पानी की तरह, समुद्र आता है लहराता है शांत हो जाता है, मैं पानी जो कहते हूं, ये उत्तम पुरुष है। देखो तो हमने अपने आप को कहां रखा है? यदि लहरों में रखोगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक दूसरे से कंपटीशन, तू बड़ी मैं छोटी, मैं दिखाऊंगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शुरू हो गया झगड़ा। हमारी पहली स्थिति ये होती है, तू तू मैं तू तू की। यहां से निकलने के बाद अब ये लहरों ने दूसरे लहरों की तरफ देखना बंद कर दिया। अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है हमारे हनुमान जी से। अब जब मैं हनुमान जी के सामने खड़ा हो जाता हूं तो मैं हनुमान जी से कंपटीशन करूंगा क्या? आपके साथ कंपटीशन करूंगा? देखो हनुमान जी के सामने जाने के बाद समर्पण, कंपटीशन नहीं। संसारी ये लहर की तरह है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रही है, तू तू मैं देखूंगा ये वो, और उसके बाद भक्त का जन्म होता है। भगत वो है वो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, और भक्त कभी गिरता नहीं, क्योंकि वो प्रभु चरणों में गिर चुका है, और कहां गिरेगा आगे? कंपटीशन नहीं, समर्पण है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मन में सहज शांति प्रकट हो जाती है, तो दूसरी दृष्टि होगी, हमने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। तीसरी दृष्टि, अब हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उनको महात्मा कहते हैं। तो भगवान अपने दुनिया की तरफ कैसे देखते हैं, वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे की तरफ देखती है, बच्चे के बेवकूफी को माँ कहती है मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत प्रश्न पूछता है। अब प्रश्न पूछने वाला इंटेलिजेंट होता है कि बेवकूफ होता है? लेकिन माँ के दृष्टि से मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, क्यों? क्यों मेरा बच्चा है। और दूसरी स्त्री उसको देखेगी तो कहेंगी बेवकूफ है, कहाँ का इंटेलिजेंट है, क्यों वो मेरा नहीं है। जिस दृष्टि से प्रभु अपनी दुनिया को देखते हैं वो दृष्टि भक्तों की, वही दृष्टि महात्माओं की होती है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। और यहां से भी निकल जाओ, फिर पहुंच गए पानी में, पानी के दृष्टि से ना जीव है ना जगत है ना ईश्वर है, परमात्मा के दृष्टि से ये जो तीन औपाधिक अभिव्यक्तियां है उसकी कोई सत्ता नहीं। देखो यहां भगवान कहते हैं इस प्रकार से, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः। पानी कहता है क्योंकि मैं लहरों से अलग हूं, समुद्र से अलग हूं, और लहर बन गई कार्य, समुद्र बन गया कारण, और इसीलिए मैं कार्य कारण से अलग हूं,
इसीलिए मुझे पानी कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं ये क्षर जगत, ये क्षर जगत में रहने वाला जीव, इस जगत को कंट्रोल करने वाला ईश्वर, इन सब से अलग हूं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। जिनको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है वो जानते हैं व्याकरण में तीन पुरुष होते हैं, मैं जो है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, तू जो है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, और वो जो है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। जब तक के उत्तम पुरुष नहीं है, मैं नहीं हूं, तो आप नहीं है, वो नहीं है, तो ये आप और वो का आधार मैं है। यदि मैं ही नहीं तो आप कहां हो? देखो, उत्तम पुरुषा तो अन्य परमात्मा उदारतः यो माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम। इस प्रकार से जो अपने को पहचानता है, माने कैसे पहचानना, जैसे शरीर का कोई भी अंग ले लो, सब में मैं ही हूं। जब मेरे ही दांतों से मेरी जिह्वा कट जाती है तो हम जाकर के दांतों को गिराते हैं क्या? और जब जिह्वा दांतों के बीच में अड़ा हुआ अन्न निकालती है तो दांत कहते हैं कि जिह्वा को, थैंक यू डार्लिंग? नहीं, अलगाव है, अन्य है, लेकिन अलगाव की प्रतीति नहीं है, सब एक ही है। इसीलिए साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते, उनका सबके प्रति प्रेम होता है। उनके लिए प्रेम यह क्रिया नहीं है, उनके लिए प्रेम यह अनुभव है। उनके लिए आनंद यह क्रिया नहीं है, उनके लिए आनंद यह अनुभव है। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मयानघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुमको गुह्यतमम शास्त्रम बताया है। गुह्य शास्त्र माने धर्म का, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, कैसा जगत में रहना है आदि भौतिक क्षेत्र को प्रधान रख करके जो होता है उसको गुह्य शास्त्र कहते हैं। गुह्यतम शास्त्र जो है वो उपासना को लेकर है, ऐसी पूजा करो, ऐसे पाठ करो, ऐसा जप करो, ऐसा प्राणायाम करो तो ऐसा होगा, ये गुह्यतर शास्त्र है। गुह्यतम शास्त्र अपने स्वरूप के बारे में है, अध्यात्म के बारे में। जैसे तीन डिग्रीज होती है, गुड बेटर बेस्ट, गुड सबसे कम, बेटर उससे बढ़िया, बेस्ट सबसे बढ़िया। गुह्य शास्त्र धर्म शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र उपासना शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र अध्यात्म शास्त्र। यहां कहते भगवान मैंने तुमको अध्यात्म शास्त्र बताया है। ए तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्जुन, इसको पहचानना, इसी के द्वारा आपके जीवन में कृतकृत्यता आ सकती है, अन्यथा नहीं। देखो, हमको एक ही मालूम है, इच्छा को पूरा करना, लेकिन कभी जाना नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं। आज तक हमारी सभी की सभी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। एक को पूरा करो, दूसरी खड़ी होती है मेरे बारे में, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी खड़ी रहती है। इच्छा से मुक्त होना यही अध्यात्म है, इच्छा को पूरा करना ये उपासना है, रोते रहना ये धर्मशास्त्र है। अब आप निश्चय करो आपको क्या चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।